सभी को राम राम। हम ईश्वर के अंश हैं, अतः दूसरे के प्रति जैसी भावना करेंगे वैसा ही दूसरा हो जाएगा। भावना का असर पड़ता है, जैसे भोजन का भाव होने से मुख से पानी आ जाता है। साधक के भाव का दूसरे पर असर पड़ता है। जितना सदाचारी सद्गुणी साधक होगा, उतना ही उसका संकल्प सत्य होगा। असर उस पर पड़ेगा जो अपने को शरीर मानता है, कारण कि दो शरीर में आते हैं। हम शरीर के असंगत हो जाएं तो दूसरे की बुरी भावना हम पर असर नहीं करेगी। हम में दोष होगा तो दोष को पकड़ेंगे। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो अवगुणों को जल्दी पकड़ेंगे। कर्म ही ऐसा है जो सभी तत्वों का प्रधान है, इसी से सभी कार्य संभव होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य को कर्म देकर उसे स्वतंत्रता सत्ता प्रदान की है। मनुष्य के संपूर्ण कर्म के विश्लेषण से ही सुंदर विश्व की संरचना का भेद ही अधिपत्य की सार्थक को सिद्ध कर सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।